हिमाचल के कुल्लू में एक हादसा हुआ है और उस हादसा में कुल्लू के ओट में बड़ा हादसा हुआ है और 20 छात्र ब्यास नदी में बह गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। नदी में अचानक पानी आने से हादसा हुआ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लारजी डैम से छोड़ा गया पानी, करीब 20 छात्रों के नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त सभी छात्र हैदराबाद के हैं। बांध से अचानक पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ा, कुल्लू के ओट में यह बड़ा हादसा हुआ है। लारजी बांध से अचानक पानी छोड़ा गया, सभी छात्र जो थे वो हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। जो छात्र थे वो बस से उतरकर बैठे हुए थे और एकाएक पानी छूटा। हिमाचल के कुल्लू के ओट में यह हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, गुस्साए लोगों ने कुल्लू मनाली हाईवे जाम कर दिया है। ये इसके बाद इसके रिपरकशंस, बांध से अचानक पानी छोड़ने से यह जलस्तर बढ़ा, ब्यास नदी में यह हादसा हुआ है और एकाएक जो पानी छोड़ा गया डैम से, लारजी डैम से छोड़ा गया पानी और उसकी वजह से हादसा हुआ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पूरी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कुल्लू के ओट में 20 छात्र ब्यास नदी में बह गए, नदी में अचानक पानी छोड़ा गया, लारजी डैम से छोड़ा गया पानी और अभी इस वक्त जो खबर आ रही है वो खबर यह है और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त कुल्लू के डीसी हमारे साथ हैं, राकेश जी। राकेश जी, क्या है पूरी खबर, थोड़ा बताएंगे? ये एक्सीडेंट मंडी जिला में हुआ है जो कि कुल्लू के साथ लगता जिला है। शाम के समय ये खबर आई थी तो कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नदी के पास चले गए थे और अचानक पानी बढ़ने से वो बह गए हैं। तो हमने यहाँ से पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको भेजा है, हालांकि ये हमारे जिले में तो नहीं है लेकिन फिर भी उनको मौके पे भेजा है और मंडी जिला से भी जो अधिकारी हैं वो मौके पे अभी पहुंच गए होंगे, तो वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अभी इस समय रात को कोई नदी के अंदर राफ्टिंग के जरिए या किसी और तरीके से रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं एकदम से प्लान हो सकता, तो उसके लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या अगर कोई लोग इसमें इंजर्ड हैं या बचे हुए हैं तो उनको निकालें कैसे जाए, उसके लिए भी कोशिश चल रही है। ये हादसा कितने बजे हुआ है? ये शाम के समय हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ये हमारे जिले में नहीं है तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफी लेट आई, लगभग 7:30 बजे के करीब ये जानकारी आई, तो उसके बाद यहाँ से तुरंत हमने जो भी मदद है उसको भेज दिया था और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसको अलर्ट पे रख दिया है कि कोई भी अगर कोई घायल या उनको लाया जाता है तो उनकी। हेलो जी, जी जी, आप जो बता रहे हैं इनके इलाके में नहीं आता है लेकिन इनको करीब शाम के वक्त ये इस हादसे की खबर मिली है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? रात का वक्त है, रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आना लाजमी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे किसी भी तरह बचा लिए जाए लेकिन ऐसी उम्मीद अब कम ही नजर आ रही है।